सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामनाएं इस नवरात्र में जल्द ही पूर्ण करें, यही हमारी विनती है माता रानी से। आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको तकिए एक नीचे क्या उपाय कर लेना है, और जानेंगे खूब पैसा कमाना है तो 9 दिनों में कर लें यह 9 उपाय। एक बार अवश्य अजमाएं इस उपाय को, बताएंगे इस वीडियो को माध्यम से, वीडियो को देख लेना है पूरा, सारी जानकारियां इस वीडियो के अंदर ही छुपी हैं, बस आपको पूरा अंत तक देख लेना है। माता रानी की सच्ची भक्त हैं अगर आप, तो वीडियो को देख लेना, और आप देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा क्या उपाय, घर के उपाय, बिना पैसों के उपाय करने हैं और बड़े चमत्कार पाने हैं। माता शक्ति का पर्व नवरात्र धन के विशेष उपायों के लिए शुभ और असरकारी माना जाता है। अगर आपकी तमन्ना है जीवन में खूब धन कमाने की, खूब तरक्की पाने की, तो 9 उपाय आपके लिए ही बताए जाने इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, भक्ति ज्ञान की बातें पाने के लिए, असरदार जानकारियां, सच्ची जानकारियां पाने के लिए, और लाइक कर देना है वीडियो को, लिख देना है जय माता रानी की। माता रानी से हमारी यही कामना है कि इस नवरात्र में सभी भक्तों की जल्द ही मुरादें पूर्ण करें। माता रानी सभी के मंगलकार हों, सिद्ध और सभी के हों, जय जयकारे माता रानी की जय हो। चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। नवरात्र के दिनों में हर 9 दिन आपको हनुमान जी को पान का एक बीड़ा अर्पित करना है। जी हाँ, बहुत शुभ माना जाता है इन 9, ध्यान दें, इन 9 दिनों अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो आपको सुबह शाम घी या तेल का दीपक जलाना बिल्कुल नहीं भूलना है। दीपक में 4 लौंग डाल दें, बहुत शुभ माना जाता है। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को नवरात्र में अर्पित कर दें, सुखद चमत्कारी हमें देखने को मिलेंगे। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर आप चढ़ाएं, अवश्य कृपा होगी माता रानी की। और देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित कर दें, बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माता दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं, बहुत ही अच्छी, यहाँ पर जानकारी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, आपको सब कुछ देख लेना। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी माता को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें, कहा जाता है ऐसा करने से माता रानी बहुत खुश होती हैं और असीम कृपा उन भक्तों पर देती हैं जो यह कार्य करते हैं। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ, कपड़े के साथ उन्हें भेंट कर दें, एक बहुत ही शुभ माना गया है नवरात्र में। नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जैसे कि स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुण, घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, मुकुट, त्रिशूल आदि खरीद सकते हैं और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करना चाहिए। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए रखने की जगह रख दें, इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। जी हाँ, बहुत ही चमत्कारी उपाय, अब बताऊंगा उपाय तकिए के नीचे कर लेना है चुपचाप उपाय। जिन लोगों को नींद आने में दिक्कत होती है उन्हें तकिए के नीचे हरी इलायची रखकर सोना चाहिए, ध्यान दें, सोने से पहले आपको तकिए के नीचे रख लेना हरी इलायची, बहुत ही असरदार है, कहा जाता है इससे व्यक्ति को गहरी नींद आने में मदद मिलती है। सोते समय अपने सिरहाने तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह किसी पेड़ या पौधे में डाल दें, ऐसा करने से सेहत संबंधी लाभ शीघ्र ही हमें प्राप्त होते हैं। और आज जानेंगे हम कुछ विशेष जानकारी इसी वीडियो में। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने साथ 5 इलायची रखें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन किसी गरीब या किन्नर को 1 रुपये का सिक्का दे दें, इससे नकारात्मकता खत्म होगी। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ में श्री यंत्र पकड़े और अपने बाएं हाथ में 5 इलायची, अब यंत्र को पूजा स्थान पर रख दें और इलायची को मुंह में रखकर घर से बाहर निकलें, इससे आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उन्हें इलायची वाला दूध, इसे पीने से एकाग्र शक्ति बढ़ती है। जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं
उन्हें हरे रंग के कपड़े में 5 इलायची बांधकर तकिए के नीचे रखना चाहिए। अब अगली सुबह इसे किसी मंदिर में रखें, इससे आपका काम शीघ्र ही बन जाएगा। मनपसंद पार्टनर पाने के लिए आपको पीले कपड़े में 5 इलायची रखकर बृहस्पति देव के पास रख दें। ये प्रक्रिया लगातार 5 गुरुवार करें, इससे आपकी शादी आपके पसंद के लड़के से हो जाएगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो आप आज के दिन अपने पर्स में 5 इलायची रख लें। अब इसे ध्यान दें, सप्ताह भर ऐसे ही रहने दें। अब अगले गुरुवार को पुरानी इलायची निकाल कर नई रख लें। वही पुरानी इलायची को किसी सुनसान जगह पर फेंक दें, इससे पर्स हमेशा आपका रुपयों से भरा रहेगा। और अगर आप संतान प्राप्ति का सुख लेना चाहते हैं, दिक्कतें आ रही हैं अगर तो अगर संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो पीली कौड़ी का उपाय बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसके लिए गुरुवार के दिन 5 कौड़ी लेकर इसे अभिमंत्रित कर लें। अब इसे महिला की कमर पर पीले धागे के साथ बांध दें। ऐसा करने से जल्द ही गोद भर जाएगी, बहुत ही शीघ्र कृपा होगी विष्णु भगवान की। जो लोग सुंदर एवं सुशील पार्टनर चाहते हैं, उन्हें आज के दिन एक पीपल के कपड़े में 5 इलायची रखकर किसी गरीब को दान कर देनी चाहिए, इससे आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर बनेगा। अंतिम जानकारी, बहुत ही खास जानकारी, जी हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ऐसे ही ज्ञान की बातें पाने के लिए, लिख दें जय माता रानी की। अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको देवी माता के चरणों में 5 छोटी इलायची रखकर देवी माँ के मंत्र से अभिमंत्रित कर लें उसे, उसके ध्यान दें। फिर इसके बाद उसे एक लाल रंग के छोटे कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें, इससे आपकी जेब हमेशा रुपयों से भरी रहेगी। संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है नवरात्र में कर लें उपाय, बहुत ही चमत्कार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें चैनल को, मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय।